नवनाथ पवन के रूप में पहचाने जाने वाले 29 वर्षीय एक व्यक्ति को मुलुंड में पुलिस ने कथित तौर पर एक ढाबे पर टिश्यू पेपर का एक टुकड़ा खाने के लिए पीटा था। झोपड़ियों को तोड़ दिया गया था। मुलुंड टोल नाके के पास बाबा का ढाबा में भोजन करने आए नवनाथ ने वेटर से टिश्यू पेपर मांगा और शिकायत की कि जो टिश्यू पेपर उसने दिया था वह अशुद्ध था। इस दौरान वेटर और नवनाथ के बीच हाथापाई हुई। वेटर ने नवनाथ के सिर पर लादी से हमला किया और उसी दौरान नवनाथ गंभीर जख्मी होकर बेहोश हो गया। उसके ऊपर 3 दिन के उपचार के बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई। इस मामले में नवगर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है और ढाबे के तीनों दिग्गजों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस द्वारा आगे की जांच की जा रही है। दिनांक 9/11/2020 को आनंद नगर जकत नाका के सामने वाले ढाबे में नवनाथ पावने और उसके दोस्त खाना खाने के लिए आए थे। खाना खाने खाते समय टिश्यू पेपर को लेके उधर के वेटर और नवनाथ पावने और उसके दोस्त में कहासुनी हो गई, झटापटी हो गई। उसमें वेटर लोगों ने नवनाथ पावने और उसको दोस्त को हाथों से और लातों से मारा था। उसके बाद नवनाथ पावने केम हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। उधर उसकी 13 तारीख को मौत हो गई और मौत होने के बाद नवगर पुलिस थाने में दोनों के तीनों वेटर जो है उनके ऊपर गुना दाखिल किया 302 का और अभी न्याय उनको 23 तारीख तक पुलिस कस्टडी मिली है।